नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको मार्केट को छोड़ना कब है। देखिए, एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर होता है पैसे के लिए अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ पे फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, और एक्चुअली स्टॉप लॉस को आप कैसे मेंटेन करेंगे उसका बारे में भी बात करूंगा। तो एज ए एग्जाम्पल, इसेल टेक का एक चार्ट आपका सामने खोला हुआ है, तो चलिए देखते हैं मार्केट में कॉल कब बनता है और उस कॉल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। तो अभी मैं बाइंग के बारे में फोकस करने वाला हूं। देखिए, ये एक ब्लू कैंडल बन रहा है और यहां पर एक सेलिंग का कॉल बना। तो बेसिकली अगर मैं इस सेल का कॉल के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, एक्चुअली हम लोग का सॉफ्टवेयर में तीन कंडीशन होता है। सेलिंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए, जो रेड है सेल का कॉल का पहले एक रेड स्टार बनेगा जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है उसका कलर रेड होना चाहिए और ये व्हाइट का नीचे होना चाहिए। तो ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर रेड तो दिख रहा है बट है ये व्हाइट का ऊपर। व्हाइट का ऊपर रहने का मतलब है अभी भी इसका जो पोजिशन है वो, मतलब अभी भी इसका जो सेंटिमेंट है वो बाइंग की तरफ है, तो ये सेल का कॉल आपके लिए उतना सक्सेस नहीं होगा। तो अल्टीमेट मुझे दिखाई दे रहा है धीरे धीरे मार्केट रिवर्स होने लगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। नीचे का रिबन ग्रीन हो चुका है, ब्रिक्स ग्रीन होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, बट आपको वेट करना है कोई फ्रेश बाय का कॉल के लिए। तो जैसा एसीएल टेक में मुझे एक बाय का कॉल मिला है इस कैंडल का वैल्यू में 32.4 वैल्यू में, 32.4। तो एसीएल टेक में अगर आप पता है जो इसका लॉट साइज नियर अबाउट 700 का आसपास होता है, तो यहाँ पर 2 से 3 रुपया का भी अगर मूवमेंट आपको मिल जाता है तो आपका पैसा बन जाएगा। अब एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना है, तो कंडीशन यही रहेगा। नीचे का रिबन का कलर देखिए, नीचे का रिबन का कलर अगर ग्रीन है इसका मतलब है मार्केट में अभी बायर्स का परसेंटेज ज्यादा है। बाय का कॉल का पहले हमेशा स्टार बनेगा, ग्रीन स्टार, ये देखिए ब्लू कैंडल का नीचे दिख रहा है, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का जो मूवमेंट है उसका व्हाइट का ऊपर होना चाहिए और इसका कलर ग्रीन भी होना चाहिए। ग्रीन होगा तो ये ज्यादा सिक्योर है। तो सोचिए आप यहां पर एंट्री ले लिए हैं, अब आप एग्जिट कब करेंगे? एंट्री तो मिल चुका है, एग्जिट करने के लिए आपको जो मेन फोकस करना है वो है नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर। देखिए यहां पर देखते देखते 3 रुपया मूवमेंट कर चुका है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे यहां पर आराम से आप 2-2.5 हजार रुपया का प्रॉफिट बना लिए हैं, बट इसका बाद भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर एक बार ब्लू हुआ था ऑटोमेटिकली उसको ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। देखते देखते देखिए मार्केट लगभग 39.5 का आसपास चला गया, इस कैंडल पे 40 का भी हाई मार दिया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 7 से 8 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। अब एसीएल टेक में अगर आप 7 से 8 रुपया का प्रॉफिट बना रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, यहां पर हम लोग को अच्छा खासा बेनिफिट मिल चुका है। बट फिर भी मैं यहां पर वेट करूंगा क्योंकि हो सकता है ये इससे भी ज्यादा मुझे प्रॉफिट देके जाए। तो नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है इसका थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब ये जो कैंडल बना, जो चीज मैं दिखाना चाहता था, देखिए इस कैंडल पे आके आपको नीचे का जो ब्रिक्स है उसका कलर ब्लू बनते हुए दिखा, मतलब मैं ऑलरेडी एक प्रॉफिट बना लिया हूं, अब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, इस कैंडल का जो लो वैल्यू है इसका लो है 37.7, तो आप अपना स्टॉप लॉस 37.7 पे रख के छोड़ दीजिए। अल्टीमेट अगर मार्केट ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो आप बाइंग की तरफ प्रॉफिट बनाते रहेंगे, और अगर मार्केट सडनली गिर गया तो उसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसा इस कैंडल पे अगर मैं देखूंगा यहां पर ये 37 पॉइंट, मतलब इस कैंडल का जो लो था 37.7 इसको इसने टच कर दिया, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस खा गया और आप अपना पोजिशन को स्क्वायर अप कर लिए। तो अगर आप यहां पर भी अपना पोजिशन को स्क्वायर अप करते हैं तो भी देखिए यहां पर 5 पॉइंट मिनिमम आपका प्रॉफिट निकल जा रहा है, तो उस हिसाब से आप 3 से 3.5 हजार का प्रॉफिट बना लिए। तो ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये आपको बता देगा जो ट्रेल कैसे करना है स्टॉप लॉस को। अगर इसका बाद मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ऊपर जाता तो मैं कंटिन्यूअसली मेरा
प्रॉफिट कंटेन बढ़ाते रहता। और अगर ऐसा होता जो ये ऐसा यहाँ पर गिर गया, स्टॉप लॉस खा गया, वो तो अलग सा मैटर है। अगर यहाँ पर और थोड़ा मार्केट ऊपर जाता, फिर एक ब्लू कलर का ब्रिक्स बनता, तो मैं क्या करता, उसका नीचे फिर से मेरा स्टॉप लॉस को लगा लेता। सपोज मैं यहाँ पर एक ये जो कैंडल बनाए, अगर ये ब्रिक्स ब्लू होता तो मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर हो जाता, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो है 39, तो 39 पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करता। तो ये एक छोटा सा टेक्निक है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको ये टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रिक्स का साथ काम करना है और स्टॉप लॉस को उस हिसाब से मेंटेन करना है ताकि मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए तो पैसा हाथ से चला आ जाए। क्योंकि अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है, अच्छा खासा एक बेनिफिट हम लोग कमाते हैं और एग्जैक्ट सही जगह पे नहीं छोड़ पाते। इसके लिए जो भी पैसा आ रहा था वो हाथ से निकल जाता है। तो इसके लिए एग्जिट को प्रोमिनेंट कीजिए, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे उसका ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, देखिए प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देखें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दीजिए नंबर पर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग को थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलआईसी ब्रोकर साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।